अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है तो इस सरकार को बदलने की जरूरत नहीं है, जमीन में खोद कर गाड़ देने की जरूरत है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है उतना ईसाइयों का है, ये देश हम सबका है, किसी एक धर्म और मजहब के मानने वालों का नहीं है। सुषमा स्वराज जी संसद के सामने नाची थी। आज की इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे वरिष्ठ किसान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, भारत के आजादी के इतिहास के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन देश के किसानों का है। लगभग 80 दिनों से अधिक हो गया, 86 दुनिया देख रही है, देश देख रहे हैं, दुनिया के नामचीन लोग वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अखबार में और टेलीविजन में पढ़ भी रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत के किसान सड़कों पर है। ऐतिहासिक आंदोलन, यूनाइटेड नेशन ने, सर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, उसके महासचिव ने इस आंदोलन के सिलसिले में भारत सरकार से कहा कि इसके ऊपर गौर कीजिए। मैं आपसे कुछ लंबी बात 2-4 मिनट ज्यादा कर लूंगा तो मुझे इजाजत देगी ये डायस के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे भाई। देश अजब स्थिति में फंस गया है, अजब की अमीरी है इस देश में और गजब की गरीबी है, इस चक्कर में फंस गया है देश। कौन निकालेगा? 70 साल की हमारी ये आजादी, इतनी जबरदस्त गरीबी, इतनी जबरदस्त अमीरी, जो देश एशिया के 10 लोगों में जो सबसे अमीर है भारत का है, ये देश की दौलत कहां जा रही है? धरती का सीना चीर कर अपने इरादों के बीज बोने वाले वो किसान फटेहाल होते जा रहे हैं। पिछले मोदी जी की सरकार में, 6.5 साल की सरकार में पेट्रोल, डीजल, बिजली, बीज, खाद, कीटनाशक के 40% दाम बढ़ गए और आपने क्या किया? अरे 100 के पार चला गया पेट्रोल। नेपाल बड़ा गरीब देश है, 72 रुपए लीटर है। अभी मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया गया, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दुनिया में कच्चे तेल का दाम $140 पर बैरल था और तब भारत में पेट्रोल बिकता था 68 रुपए, 70 रुपए, 72 रुपए, डीजल बिकता था 64 रुपए, 65 रुपए, 66 रुपए, 2 रुपए डीजल थे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद के सत्र में बैलगाड़ी पर चढ़ के गए थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। रात भर ने सुषमा स्वराज जी संसद के सामने नाची थी प्रदर्शन करते हुए। आज कहां है वो लोग? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कहते जो सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के किसानों की जिंदगी और साधारण आदमी की जिंदगी को नरक कर दे, उस सरकार को बदल देना चाहिए। और आज अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है तो इस सरकार को बदलने की जरूरत नहीं है, जमीन में खोद कर गाड़ देने की जरूरत है। कौन बोलेगा? मैं हूं वो आदमी जिस स्वामीनाथन कमीशन की आप बात कर रहे हैं ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखा गया, न्यूटन का सिद्धांत लिखा गया, मैंने भी स्वामीनाथन कमीशन में एक फार्मूला लगा दिया, C2+ चतुर कुमारन सारे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मेरे दिल में कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है,
उसकी जात क्या है, उसकी बिरादरी क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका धर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर भारत माता की खेतों पर वो खेत मजदूर और छोटा किसान बड़ा किसान है तो हमारे लिए पूज्य है, वंदनीय है, उसके सामने हमें सर झुकाना है। इस सोच के साथ हम स्वामीनाथन कमीशन में काम कर रहे हैं, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, नाबार्ड के गवर्नर भी थे, 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नेशनलाइज बैंक के CMD भी थे, जिसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर, बड़े बड़े किसान वैज्ञानिक थे उसके अंदर। डॉक्टर स्वामीनाथन दुनिया का, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बोरोलॉग थे, जिन्होंने ये धरती को नए तरीके से, वरना हम PL 480 का 45 पैसे प्रति किलो अमेरिका से गेहूं खाते थे, जिस गेहूं का सत निकालकर वहां के घोड़े मजबूत होते थे, उसका बाकी बचा हुआ खा करके भारत में हम कुछ जिंदा। आज पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरित क्रांति करके हिंदुस्तान को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं किया, बल्कि अब हम कुछ विदेशों में भेजने लगे। आप इस बात को, हमने इस बात को स्वामीनाथन कमीशन में कहा, लेकिन हमने यह भी कहा कि किसानों को ये खेती किसानी से नौजवान भाग रहे हैं, इसे खेती किसानी की तरफ लाओ। ये जो नौजवान देश छोड़कर भाग रहे हैं, उनको खेती किसानी में जोड़ने के लिए खेती किसानी को अत्यंत लाभकारी बनाओ, इसलिए हमने वहां नारा दिया था। आज लड़ाई हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, लेकिन MSP में हमारे नाम से एक लाग है कि आज हम MSP की बात कर रहे हैं, लेकिन कल हम रिलेवेंटेड प्राइसेस की बात करेंगे। आज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, कल हमारी लड़ाई किसानों के उत्पादन के लाभकारी मूल्य की होगी। ये बात भी स्वामीनाथन कमीशन में लिखी हुई है। बहुत सी बातें, महिलाओं को कैसे खेती में जो, महिलाओं का बड़ा योगदान है खेती किसानी में, हम शायद उसको किनारे कर देते हैं। हमने उसमें पहले बार लिखा था 32 पेज का एक इतिहास कि किसान कौन, जो भूमिधर है, जिसके पास भूमि है वही किसान है। नहीं, मैंने उस बात को लिख करके संसद में राष्ट्रीय किसान आयोग की तरफ से भेजा था, जिसमें हमने लिखा था जो खेती करता है, भूमिहीन है, वो भी किसान है, जो कुक्कुट पालन करता है, जो मुर्गा मुर्गी पालता है वो भी किसान है, जो मत्स्य पालन करता है, जो मछली पालता है वो भी किसान है, जो बी कीपिंग करता है, जो मधुमक्खी पालता है वो भी किसान है, जो गौ पालन और पशुपालन करता है वो भी किसान है। वो 32 पेज का, वो हमने किसानों की नई परिभाषा संसद में रखी थी 2008 में, और वो संसद में, मैं संसद का सदस्य नहीं रहा, लेकिन वो पास हो गया सर्वसम्मत से। और उस समय नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अतुल अज्ञान जी यहाँ तो मौजूद नहीं है संसद में, लेकिन उनको हम अपनी तरफ से शुभकामना भेजते हैं कि इतना सुंदर लिखा उन्होंने। और फिर रिजर्व बैंक ने एक प्रस्ताव पारित किया, सारे बैंकों को भेजा कि आज के बाद से देश का खेत मजदूर, देश का पशुपालक, देश का मत्स्य पालक अगर बैंक में लोन लेने जाएगा तो उसे किसान की तरह ही लोन मिलेगा है। ये था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा। एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी, एक नया बयान आपके सामने था। ये देश किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ, जो सरकार चलाते हैं, जो धर्म के नाम पर बांटते हैं, जो हिंदू मुसलमान देखते हैं, एक जमाना था हिंदू और सुख की बात कुछ लोग करते थे, आज उससे भी बड़ी बात उन्हीं लोगों ने, वो भी वही कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने यहाँ हिंदू सिख का सवाल खड़ा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे लोग आपके साथ इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ खड़े हैं, जो इस तरह की फिरका वारियत की बातों को मसल देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपने रास्ता दिखा दिया। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। ये देश हम सब का है, किसी एक धर्म और मजहब के मानने वालों का नहीं है। ये बात कहना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी की लड़ाई में, अरे मोदी जी,
आपका तो और आपकी जमात का और आपकी आरएसएस का, आपका भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। गुरु गोलवलकर जो आपके थे, जिसके आप प्रचारक थे 40 साल तक, वो ये कहते थे भारत के लोगों को आजादी की बात नहीं करना चाहिए, हमारी महारानी तो क्वीन विक्टोरिया है, ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, हम तो अपनी संस्कृति की बात सारे देश में करते। बिना राजनीति के संस्कृति होती है क्या? बिना राजनीति के सरकारें होती है क्या? सरकार तय करती है कि गेहूं का दाम क्या होगा, सरकार तय करती है कि डीजल का दाम क्या होगा, सरकार तय करती है कि खाद का दाम क्या होगा, सरकार तय करती है स्कूल कितने खोले जाएंगे, सरकार तय करती है दवाई का दाम क्या होगा, सरकार तय करती है कितने अस्पताल खोले जाएंगे, सरकार तय करती है कि कितने लड़के और लड़कियों के हॉस्टल खोले जाएंगे और उन हॉस्टलों के अंदर फीस क्या होगी, और बच्चे और बच्चियों के खाना, एक वक्त का खाना, रोटी की ताकत और दाम जब सरकार तय करती है और सरकार बनती है हमारे आपके वोट से, तो वोट को हिसाब से रखो और सरकारों को बदलने का काम हमारी वोट से होगा। इसलिए वोट की ताकत और जनतंत्र की ताकत बहुत बड़ी है, इसे मजबूत बनाना है, और पंजाब के लोगों ने कल दिखा दिया। बहुत लोग, मैं तो आप जानते हैं, आप लोग कम शायद हिंदी की टीवी डिबेट देखते होंगे, मैं तो आज आपके बीच में बहुत देर से आया, मैं 2.5 महीने तक लड़ाई लड़ रहा था जिंदगी और मौत की। मैं कोरोना से पीड़ित था, लखनऊ में था, डॉक्टरों ने कह दिया 3रे स्टेज का कोरोना था, कोई गुंजाइश नहीं। मैं मौत के जबड़े से अपनी साहस और आपके आशीर्वाद से आपके बीच में हूँ, और आपके बीच में इस लड़ाई में जितने दिन होगा शामिल रहूँगा, आगे फिर उसकी मर्जी हो जैसा कहे वैसा। लेकिन मैं आपसे कहूँ, ऐ मोदी जी, आज़ादी की लड़ाई में 83 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था, और उन 83 लोगों में 74 लोग अगर किसी एक धर्म और संप्रदाय के थे तो वो सिख समुदाय के थे, ये भूल गए। तुम भूल गए उस कूका विद्रोह को, तुम भूल गए गदरी बाबाओं को और गदर पार्टी को। अमेरिका में आज कहते हो कनाडा से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से इस आंदोलन को पैसा आ रहा है। हम जानते हैं आप आजादी की लड़ाई का अनुभव नहीं समझते, उसके दर्द को नहीं समझते। इसीलिए जोश मलिहाबादी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, जब डॉक्टर स्वामी का नाम मुखर्जी, श्यामाचरण मुखर्जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बता दिया मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े दोस्त थे, उर्दू के बहुत शायर थे, पुराने लोग उर्दू ज़्यादा जानते हैं, अब यहाँ नए लोग कम पढ़ते हैं। जोश मलिहाबादी करीब 10 साल 12 साल अंग्रेजों की जेल में रहे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इंग्लैंड की महारानी के झंडे को सलाम करते थे रातों रात, वो राजा और रानी आज कांग्रेस पार्टी में आ गए, उनको आपने कुछ को मंत्रिमंडल में भी ले लिया। तब जवाहरलाल नेहरू को एक लंबी चिट्ठी लिखकर आखिर में एक शेर लिखा उन्होंने कि शैतान एक रात में इंसान बन गए और जितने नमक हराम थे सब कप्तान बन गए। ये हाल है इस देश के, ये कूका विद्रोह, पैसा कहते हो, 400 लोग अमेरिका से, कनाडा से, यही पंजाब के लोग भारत की आजादी के लिए हाथ में हथियार लेकर कामागाटा मारू के जहाज में चले थे, 200 लोग रास्ते में मार दिए गए ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, 200 लोग यहाँ आए थे आजादी की लड़ाई में, हमारे भारत के लोगों को उन्होंने जत्थेबंद किया, और उनमें से कौन है कौन भूल जाता। मैं जिस तंजीम का महामंत्री हूँ उसके बड़े भारी आजादी की लड़ाई के गदरी पार्टी के अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे, ये अमृतसर के बाबा सोहन सिंह भखना, याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बाबा संतोष सिंह को याद करता हूँ। आखिरी गदरी थे साथी चैन सिंह चैन, अभी 5-7 साल पहले 105 साल की उम्र में मरे गदर पार्टी के लिए, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, बाबा तेजा सिंह स्वतंत्र, भूल नहीं सकता, भले विचार अलग हो, सोच अलग हो,
लेकिन उनको याद करना चाहिए खेती किसानी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। मोदी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की आजादी की लड़ाई में जिंदगी दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी, आप तो बहुत बोलते हैं, हमारे बड़े मित्र भी हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों मारा? क्यों मारा? इसलिए मारा कि वो गाते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आपने मार दिया? वो इसलिए कि सबको इकट्ठा करके चलते थे, जिगर खान अब्दुल गफ्फार खान को भी अपने साथ रखते थे तो राजकुमारी अमृत कौर को युद्ध के आंदोलन में जगह मिलती थी, सारे देश को एक रास्ते से पिरोते थे, एक धागे से पिरोते थे। आपने उनको भी मार दिया, और किससे मरवाया? बापू के पैर छूने के लिए नाथूराम गोड से आरएसएस का पैर छूता है 30 जनवरी 1948 को, जब शाम को बापू जी भजन करने जाते थे और कहता है बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम राम, और राम राम कहके उठता है और सीने में 3 गोली दाग देता है और वो महान देश का राष्ट्रभक्त हमारा राष्ट्रपिता हे राम कहके सो जाता हमेशा के लिए। राम राम कहके गोली मारते हो और जो तुमको जिसको तुम गोली मारते हो वो कितने विशाल हृदय को सारे हृदय में अपने भगवान को समेटे लेकर परमात्मा को समेटे कहता हे राम और चला जाता है हमारे बीच से। मोदी जी जवाब तो क्यों मारा? और आज तुम नाथूराम गोडसे के मंदिर बनवा रहे हो, नाथूराम गोडसे की जयंती आरएसएस के लोग मनवाते हैं। अरे भाई हर देश का एक प्रतीक होता है, अमेरिका का प्रतीक है अब्राहम लिंकन जिसने काले और सफेदों के बीच के झगड़े को करके सबको समान अवसर दिया था, यूरोप के अंदर एक नई रास्ता दिखाया था, अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने 20 साल जिंदगी जेल में काट करके बराबरी का हक दिलाया, आज वो सारे अफ्रीका का एक प्रतीक है। हमारे राष्ट्रपिता को आपने मार दिया, महात्मा गांधी को छोड़ दिया, आपसे क्या बात करना, आपसे क्या कहे, क्या चर्चा करें आपसे, बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई। ये आपने कहा था ना 2014 में, अगर मैं सरकार में आया प्रधानमंत्री बना 400 मीटिंगों की में 247 मीटिंगों में उन्होंने कहा था पहला दस्तखत करूंगा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, नहीं किया। आज हमारा जल नभ सब खतरे में है, जमीन खतरे में, देश के सारे बंदरगाह जो हमारे आपके बाप के पैसों से बाप दादाओं के पैसे से बने थे, 8 के 8 बंदरगाह अडानी को सौंप दिए 30 लाख करोड़ के, सारे के सारे एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट करीब 1,22,000 के, लखनऊ ये सब बेच दिया, वो भी बंबई का अडानी के हाथ दे दिया, सारा टेरिस्टेरियल वेव अंबानी के हाथ भेज दिया, और जमीन अब आप बेचना चाहते हैं हमारी खींच करके। हम उसने आपको एक कहानी कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, स्वामीनाथन कमीशन की आखिरी मीटिंग थी, डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमको करना चाहिए, इसकी इजाजत देनी चाहिए, हमारी तजवीज होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इस देश के अंदर लागू किया जाए। हमने कहा, हम लोग खाना खा रहे थे, हमने कहा स्वामीनाथन जी आपने, हमने सबने मिलकर रिजर्व बैंक के डायरेक्टर चेयर गवर्नर, हमने कहा सबने मिलकर के एक साथ ही रिपोर्ट बना दी है, आप क्यों अड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि देश के किसानों को आप छीन करके ठीक वैसे चंपारण की स्थिति करना चाहते हैं जैसे अंग्रेज नीलहे खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, वो स्थिति लाना चाहते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बड़े फायदे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप इस रिपोर्ट को लिखेंगे तो मेरा विरोध का नोट भी उसमें जाएगा, नोट ऑफ डिसेंट मैं लिखूंगा, और फिर ये सरकार के सामने ये जो है कहेंगे कि ये एक मत की राय नहीं है। इसलिए मैं, उनकी पत्नी थी, मैंने उनके पैर छुए, डॉक्टर स्वामीनाथन के पैर छुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत करो क्योंकि मैं देश के छोटे मझोले सीमांत किसान गरीब किसानों की को बचाने की वकालत कर रहा था और मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म हो गई। लेकिन ये जल्लाद फिर खड़े हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का खेल लेकर के हमारे आपकी जमीन पर, ये गिद्ध है,
इसलिए भाइयों आपकी कुर्बानी को जो लोग कहते हैं कि कम है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, देश का झंडा जितना आजादी के बाद दिल्ली नहीं देखा था तिरंगा, हमारे लाखों पंजाब, किसान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के कोने कोने से लोग ट्रैक्टर अपने हाथों में झंडा लेकर 3 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडे दिल्ली के पास 26 जनवरी को थे। आजादी के बाद उतनी बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा नहीं किसी ने देखा। आपको सलाम है इसके लिए, आपको तो सलाम करना चाहिए। प्यासी थी जमीन, प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया और मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने उसे चुका दिया। और मैंने कहा उससे जलाने को एक चिराग, उसने इस बहाने मेरा घर जला दिया। इसी का नाम है नरेंद्र मोदी, इसी का नाम है। आइए हम सब लोग मिल करके अपनी फौलादी एकता को, चट्टानी एकता को मजबूत रखें। इसमें कोई जात धर्म का नहीं, ये सवाल देश बचाने का है। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, खेती गांव किसान बचेगा तो देश बचेगा। आपकी लड़ाई आज के दौर की देशभक्ति की लड़ाई है, देश की इज्जत की, देश के मान मर्यादा की लड़ाई है। आइए हम सब मिलकर के एक नारा लगाएं। और हमने तब नारा लगाया था साथी, ये नारा किसका दिया हुआ है, मैं नारा लगा रहा हूं बाबा सोहन सिंह ढाकना का, धन और धरती पट के रहेगी, रात देरी कट के रहेगी। उन्होंने एक नारा ये दिया था, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। आज मैं वही नारा लगा के अपनी बात खत्म करता हूँ और उनको याद करके अपने शहीदों को, जो हमारे 300 शहीद इस किसान आंदोलन में जिन्होंने शहादत दी, उनको याद करते हुए। ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का, जितने लोग आप यहाँ बैठे ना, उससे ज्यादा 25 लाख लोग देश के तमाम कोने में बैठे हैं, रोज आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कल कम से कम 1000 लोग जेल में भेज दिए गए, रास्ता वो ट्रेन रोको के चक्कर में। तो इसलिए जरा नारा लगाइए, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों को। जो धरती को जोते हुए धरती का वो मालिक हो। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धरती नहीं धनवानों की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक। इन शब्दों के साथ मैं विवाद खत्म करता हूँ। आप सभी को, आप सभी के परिवार को, आपके सब बच्चों को, माँ बहनों को, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।